दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अचानक रिम्स अस्पताल में तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगा। कल शाम यह खबर मिली। डॉक्टर आनंद फानंद दौड़ के गए और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने के कारण इस तरह की दिक्कत हुई। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए समुचित उपाय किया गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता भी मौजूद हुए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काफी सख्ती में आ गए। लालू प्रसाद यादव की जांच की गई, कोरोना की भी जांच की गई। कोरोना टेस्ट उनका नेगेटिव पाया गया और उनके सांस लेवल की कमी पाई गई। फेफड़े में संक्रमण होने की बात कही जा रही है, फेफड़े में पानी होने की बात कही जा रही है। इसी कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उधर आज लालू प्रसाद यादव का जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद जज ने सरकारी वकील पर नाराज होकर एफिडेविट देने की बात कहा और लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो बिगड़ी है उस पर भी चिंता कोर्ट ने जाहिर किया। लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण बिहार सहित झारखंड के राजद कार्यकर्ता और नेतागण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने भी चिंता जाहिर की और समुचित इलाज की भी मांग झारखंड रांची रिम्स अस्पताल के प्रबंधक से किया और मुख्यमंत्री से भी मांग किया कि समुचित इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। झारखंड के राजद के मंत्री भी काफ़ी सख्ते में देखे गए। बिहार के राजद कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी शोक की लहर दौड़ गई कि लालू प्रसाद यादव की अचानक तबीयत खराब हो गई। ईश्वर से प्रार्थना करते देखे गए कि जल्द ठीक होएं, यह उम्मीद कार्यकर्ताओं ने जताई। मेरे वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।